हम सब गाते हैं मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसके स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसके तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आस करूं मैं किसके ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान को आप लोग क्या कहते हैं माँ माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान को हम माँ कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो भगवान हमारे कौन है? भगवान ही हमारी माँ बनकर एक रूप से विराजे हैं। तो आप में से कितने लोगों ने भगवान को नहीं देखा? किस किस ने भगवान को देखा है? लो सबने हाथ उठा लिया, बधाई हो, आपने देख लिया, आंखों के पर्दे खुल गए, पट्टी अभी तक गांधारी थे, आज पट्टी उतरी है। शायद भगवान ने आप लोगों के आंखों की पट्टी उतारने के लिए हमें सनावत भेजा, जाओ तारो जरण की पट्टी। तो सच्ची में पट्टी उतर गई आपकी? अब तो नहीं कहोगे हमने भगवान को नहीं देखा? माँ के रूप में भगवान है, पिता के रूप में भगवान है, गुरु के रूप में भगवान है, और मंदिर में विग्रह के रूप में भगवान है, आपके घर में गोपाल जी सालिग्राम भगवान के रूप में भगवान, ये भगवान है। मानो प्रहलाद जैसा भक्त हो तो हर खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, मीरा जैसा प्रेम हो तो भगवान द्वारिकाधीश सबके लिए प्रेम मीरा जैसा हो तो मुंह खोलकर अपने हृदय में समा सकते हैं, अर्थात मीरा को हृदय में अंदर ग्रहण कर लिया, मीरा को, मीरा की कहीं समाधि नहीं है, मीरा को अंदर भगवान द्वारिकाधीश ने अपने हृदय में स्थान दे दिया। उस क्वालिटी का, उस कोटि का प्रेम हमारा नहीं है, कमी भगवान की तरफ से नहीं है, कमी हमारी तरफ से। हम में वो निष्कपटता नहीं आ पाई, हम में वो निश्चलता नहीं आ पाई, हम में वो अभी छल कपट ईर्ष्या द्वेष झूठ बहुत सारे पाप समाये हैं, हम शुद्ध नहीं हो पाए, इसलिए भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। जैसे दर्पण में धूल लग जाती है ना, तो फिर दर्पण में आपका प्रतिबिंब चित्र नजर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण खराब है, भाई धूल हटाओ तो दिखाई पड़ेगा।